जा रहे हैं चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, थोड़ा सा मोबाइल उधर बताओ की आशंका है। देखिए परसों 25 तारीख को अभियान जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, मोबाइल उसमें स्पष्ट रूप से हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपक बावरी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में संगठन में जहाँ आवश्यकता वहाँ बदलाव करेंगे और 2018 की इलेक्शन की तैयारी को लेकर समूचे प्रदेश भर में हम लोग वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जहां जिन सीटों पर हम लोग कमज़ोर हैं वहां पर प्रत्याशी चयन का काम जल्दी शुरू हो और इस संदर्भ में बहुत सारी बातें और एक मैराथन बैठक का दौर मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के ऑफिस में भी और ब्लॉक में भी और कई संभागों में भी आयोजित की जा रही है जिसपे हम लोग कार्यकर्ताओं से नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किस तरह की स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश में और सभी वरिष्ठ नेताओं का के साथ में हम लोग 18 में सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। राहुल जी जिस तरह से सीएम का चेहरा घोषित नहीं करने के कारण कई बार कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो तो क्या इस चुनाव में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा? कोई परंपरा नहीं है कांग्रेस में, सभी नेता एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नेतृत्व करेगा हमारा, ये दिल्ली तय करेगी। दीपक बाव आज इंदौर आना हुआ, किस प्रोग्राम में आना हुआ? मैं आज सबके मार्गदर्शक और पितृपुरुष स्वर्गीय रामलाल यादव जी बल्लू भैया के प्रथम के पुण्यस्मरण के कार्यक्रम में यहाँ पर आज पहुँचा हूँ और हम सब उनके आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और वो सदैव ही एक पितृपुरुष के रूप में उन्होंने पूरे परिवार को और पूरे इस शहर को आशीर्वाद दिया है उन्होंने और उनके कामों को आज भी इंदौर शहर के विशेष रूप से विधानसभा एक के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता याद करते हैं। रामलाल यादव जी ने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र दीपू यादव और पूरा परिवार उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब उनको आज उनके प्रथम स्मरण पर याद करते हैं। मैं अभी आदरणीय प्रसाद जी से बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि बल्लू भी अभी हमारे बीच में कुछ देर में पीछे पहुंच जाएंगे। मैं उनको अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको हम सदैव उनके उन कामों के लिए याद करते रहेंगे। अरुण भाई जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है, गुटबाजी की बात आती है तो बावरिया जी ने जिस तरह से कहा कि गुटबाजी पार्टी की ताकत होती है तो आपकी नज़र में क्या है? देखिए उनका कहने का संदर्भ ये था कि चूँकि इतनी बड़ी पार्टी हमारी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, तो स्वाभाविक रूप से आपस में लोगों में एक स्पर्धा का वातावरण होता है और अभी चूँकि चुनाव सर पर है तो स्पर्धा और बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में गुटबाजी करें। मतलब हम लोग जो गुट हैं वो सब संगठित होकर काम करेंगे जी और सरकार हम मध्य प्रदेश में। दिव्यांग अरुणिमा के साथ जो जेल में जो दुर्व्यवहार हुआ उसका क्या? मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और इस बेशर्म सरकार से मुझे यही अपेक्षा। थैंक यू सो मच। मुंबई में भी किसी को तय करा।